नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया, जहाँ सरेआम चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें किसी का नहीं है डर। जी हाँ, मामला दतिया रिचरा फाटक निवासी ठेकेदार रामस्वरूप यादव का है, जो भारतीय स्टेट बैंक से 1,40,000 की नकदी निकालकर अपनी स्कूटी से घर के लिए निकले। घर पहुंचे, घर के अंदर प्रवेश करते ही ध्यान आया कि पैसे डिग्गी में रखे हुए थे, तो तुरंत ही पैसे लेने के लिए गए तो पैसे नहीं हुए बरामद। पैसा न मिलने पर चोरी की आशंका जताते हुए पास में लगी तीसरी आग सीसीटीवी कैमरे को जब चेक कराया गया तो मामला निकला चोरी का, जहां 3 व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। तुरंत ही 100 डायल को सूचना दी गई एवं कोतवाली पहुंच घटना की सूचना TI रविंद्र गुर्जर को दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए दतिया TI द्वारा धारा 369 के तहत मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान एवं मामले की जाँच करने में कोतवाली पुलिस जुटी। मेरे पिताजी बैंक से पैसे निकाल के आए थे 1,90,000 रुपए, उसमें से 50,000 रुपए अपने स्टाफ को दिए, 1,40,000 रुपए डिग्गी में रखे थे पैसे, तो वो चोर आए 4 लोग, तो वो निकाल के ले गए। उसकी कैमरा में कैद है, हमारे पास ही जी FIR हमने करा दी। पुष्पराज पिताजी का नाम इनका रामस्वरूप है, 31 साल के, रिसरा फाटक के। इनके द्वारा आज शिकायत की गई कि उनके पिताजी SBI बैंक गांधी रोड से आ रहे थे और स्कूटी की डिग्गी में इनके पैसे रखे हुए थे 1,90,000 रुपए, 50,000 रुपए ये लोग अंदर दे दिए, 1,40,000 रखे रहे थे, तो कोई अज्ञात लड़के हैं वो पैसे निकाल ले गए हैं और वो CCTV फुटेज में भी आए हैं और इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन में। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। सेल टैक्स के चपरासी ने अपने ही 17 वर्षीय नाबालिग सगी पुत्र के साथ पिछले 2 वर्षों से कैद कर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब नाबालिग बालिका ने अपनी माता को इस प्रकार की घटना के बारे में अवगत कराया तो माता उसकी सोच में पड़ गई और सीधी 17 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ महिला प्रभारी रेखा वर्मा के पास पहुंची। रेखा वर्मा द्वारा पूरी बात सुनी गई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी। उज्जैन पुलिस के अनुसार जल्द ही बलात्कार के आरोपी पिता जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगी। महिला फरियादी है, अपनी माँ के साथ में आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है उसने कि वो 10th क्लास में पढ़ती है और उसके फादर के द्वारा ही उसका जो है उसके साथ में गलत काम किया जा रहा था पिछले 3 सालों से, और उसकी माँ जो है सिलाई वगैरह के लिए बाहर जाती थी या किसी दूसरे काम से जाती तो उसके साथ में गलत काम करता था और उसे जान से मारने की धमकी दिया हुआ था कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरी मदर को भी ख़त्म कर दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। तो इस कारण उस लड़की ने बताया नहीं था किसी को। फिर अभी 1 महीने पहले उसने अपनी मदर को बताया, तो इस चीज़ को लेकर के उनके घर में विवाद भी हो रहे थे। पिताजी जो है ताला बंद करके जाते थे उन लोगों को। तो फिर जैसे भी उसको मौका मिला कल, तो कल थाने पहुंची तो उस मैटर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। BCN न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।